सविता जी बताएंगे कितना होगा? सविता जी इसका आर कितना होगा? प्रतीक्षा कितना होगा इसका आर? यस सर, ए प्लस बी फॉर टू। यस, आर इज इक्वल टू लेग वन ए, लेग टू बी, हाइपोटेन्यूज सी, ए प्लस बी माइनस सी बाय टू, दैट विल बी थ्री प्लस फोर माइनस फाइव बाय टू, दैट विल बी वन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं, एक ट्रायंगल ले लूं और वहां पे दो सर्कल रख दूं, एक सर्कल ऐसा आइडेंटिकल सर्कल, एक सर्कल ऐसा और दूसरा सर्कल ऐसा, ये दो सर्कल रख दिया मैंने, तो आपको बताना है कि इसका आर कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता है। एक सर्कल का तो समझ में आ गया, उसके बाद एक दिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मैंने कहा था यहाँ पे एक सर्कल रख दें तो क्या होगा, फिर मैंने ट्रायंगल के अंदर जो है एक सेमी सर्कल रख दिया था ऐसे, आज बताइए इसका कैसे करेंगे। आपको रेडियस निकालना है, बताइए। ऐसे प्रॉब्लम को ज्योमेट्री से आप नहीं कर पाइएगा, ऐसे प्रॉब्लम को ज्योमेट्री से आप नहीं कर पाइएगा। इसका सेंटर ऐसे में करते क्या है हम लोग, एरिया से करते हैं। अच्छा, इस पूरे ट्रायंगल की एरिया कितनी हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, हाफ ऑफ बेस फोर इंटू हाइट थ्री, दैट इज सिक्स। और ऐसे देखो जरा ध्यान से, इसको मिला दो, इसको जो है मैं इससे मिला देता हूँ, यहाँ से इस ट्रायंगल से इस, तो इसको मिला दो, इसको ठीक। तो क्या करोगे, ध्यान दो, यहाँ से जो ये टेंजेंट है यहाँ टच करेगा, टेंजेंट ये है, ये लेंथ कितनी है आर आर आर, यहाँ से इसकी ये दूरी कितनी है रेडियस आर, ये भी रेडियस कितनी है आर। तो जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ट्रायंगल ए ओ बी की एरिया कितनी हो गई, ए ओ बी की एरिया हाफ ऑफ बेस, बेस कितनी है तीन, और हाइट कितना है तीन आर। ट्रायंगल ए ओ ए ओ बी सी की एरिया, ओ बी सी की एरिया, ओ बी सी की एरिया हाफ ऑफ बेस चार इंटू हाइट आर। ट्रायंगल ए ओ सी की एरिया हाफ ऑफ बेस पांच इंटू हाइट आर, जब तीनों को जोड़ दे रहे हो तो एरिया आ जा रही है नाइन आर बाई टू
फोर आर बाई टू, फाइव आर बाई टू जोड़ो, नौ चार तेरह पांच अठारह बाई टू नाइन आर, एरिया आ गया नाइन आर। अब वैसे एरिया देख रहे कितना आ रहा था, छह, छह को नाइन आर के बराबर कर दो तो यहां से आर कितना आ गया, सिक्स बाई नाइन, दैट इज टू बाई थ्री, रेडियस टू बाई थ्री है। समझ में आया, बोलिए। यस सर, आ गया सर। तो जब दो ट्रायंगल रख देते हैं ना, ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सर्कल रख दे तो क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर हम लोग हाइट पूछे थे, जो हाइट पूछे थे तो ये वाला सर्कल, इस सर्कल की रेडियस हो गई थी, फिर तो आपको ट्रायंगल के बाहर सर्किल हो गया पूरा, वो इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका हाइपोटेन्यूस का, फिर आपका इसके अंदर एक सर्कल हो गया था, फिर ट्रायंगल के अंदर सेमी सर्कल ऐसे, फिर सेमी सर्कल ऐसे, फिर ट्रायंगल के अंदर आज क्या किए, दो सर्कल रख दिए ऐसे ऐसे, वो एरिया से हो जाएगा, एरिया से क्या निकलेगा, वो वहां से इस तरह से आ जाएगा। एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, बल्कि आप ही इसको ट्राई करिए, ठीक है, जरा बताइए क्या होगा, थोड़ा दो मिनट लीजिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको सेंटर यहां से लेकर के ऐसे एक सर्कल खींचा जाता है, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ होता है, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ए ये है, बी ये है, सी ये है, पी ये है, क्यू ये है, ठीक है ना, ऐसे एक सर्किल ड्रॉ होता है। तो आपसे पूछा है ए पी बाई पी बी ये कितना होगा, आपसे आंसर दिया है वन इज टू थ्री, टू इज टू थ्री, थ्री इज टू टू, थ्री इज टू वन, बताइए क्या होगा, कुछ देर सोचिए, करिए खुद से जरा ट्राई करिए। Thank you.
आया किसी का सर? टू रेशियो थ्री आएगा सर शायद। टू इस टू थ्री कैसे कैसे यार? टू इस टू सर, मैंने तो सर कॉमन सेंस से बताया सर। देखो ये तो ज्यादा लग रहा है यार, ये तो ज्यादा लग रहा है। देखो ये ज्यादा लग रहा है, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। 3/2 3/2 या 3/1 कुछ ऐसा होगा, बताओ क्या होगा। अरे कॉमन सेंस नहीं, थोड़ी ज्योमेट्री भी लगा दो यार। बोलो मेरे भाई, जो लोग मैथ बैकग्राउंड जिनका है वो लोग तो बता सकते हैं। बताइए भाई, मैथ बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको भी ट्राई करिए, उनको बताइए। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल है यार, देखो इसको इससे जोड़ो, राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुम्हें पता था कि ये कितना होता है। ये अगर ए था, ये ए था, ये ए था, तो ये ए रूट 3/2 होता था कि नहीं होता था, बताइए। यस सर, कितना होता था। अब देखिए कि यहाँ पे मान लो कि ये एक्स है, मान लो इसको इससे मिला दो, किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है वो कितना एंगल बनाता है? यहाँ 90 डिग्री बनाता है,
ये भी 90 बनाएगा, तो यहाँ ये डायमीटर यहाँ कितना बना 90 डिग्री होगा ना। तो मान लेता हूँ कि भाई हमें ये पता है नहीं, कुछ पता है नहीं, हम एक्स मान लेते हैं इसको, वाई मान लेते हैं इसको, राइट। तो ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये टोटल ए था, तो ये कितना हो गया, ए बाई टू हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई फोर। ये तो इक्वल ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई फोर, इतना आ गया एक रिलेशन। और इस ट्रायंगल से देखो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ तो कितना आ जाएगा, ये टोटल ए था तो ये हो गया ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 3/4 स्क्वायर। तो एक रिलेशन ये मिला, एक रिलेशन ये मिला, हमें एक्स बाई वाई चाहिए तो सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो वाई स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। यहाँ से कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया ए माइनस टू एक्स इज इक्वल टू कितना, ए माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ए कट गया ए बाई टू, यहाँ से टू एक्स आ गया ए बाई टू, एक्स आ गया ए बाई फोर, यानी ये आ गया ए बाई फोर और ये आ गया थ्री ए बाई फोर, रेशियो कितना आ गया 3/1 आ गया। देखो ए बाई फोर कट जाएगा, रेशियो 3/1 आ गया, बात समझ में आई जी सर। फिर से दोहराता हूँ कि यहाँ पे एक देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां से सर्कल ऐसे ड्रॉ किया है, पूछा है दिस बाय दिस कितना होगा, दिस बाय दिस क्या होगा, ठीक है। तो फिर से मैंने क्या किया कि यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा 90 डिग्री होगा, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे ऐड किया, ये 90 डिग्री हो गया, ये ए था, ये टोटल ए था, तो ये ए ए बाई टू हो गया, ये भी ए बाई टू हो गया, ये ए रूट 3/2 हो गया, ये आपका एक्स है, अगर सॉरी ये हम लोग वाई माने थे पिछली बार, ये अगर एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है, तो ये ए माइनस एक्स हो गया। एक बार पाइथागोरस इसमें लगाए, दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, एक बार पाइथागोरस इसमें लगाए, दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर, तो यहाँ पाइथागोरस लगा और यहाँ पाइथागोरस लगा और दोनों को सॉल्व कर लिए, दोनों को सॉल्व कर लिए, घटा दिए तो वाई स्क्वायर कट गया और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लगा दिए, सॉल्व करने पे एक्स ए बाई फोर आ गया, ये ए बाई फोर आ गया, तो ये 3/4 आ गया, रेशियो 1:3 आ गया। कितने लोगों को समझ में आया, नकुल सर इसको हम सर पी को क्यू से मिला के सर ऐसे नहीं कर सकते सर, पी को क्यू से मिला करके ऐसे कैसे, फिर मिला दिए फिर तो सर हम इसमें कंपैरिजन करें सर, क्या कर ले पी ए पी बी का सर रेशियो निकाल सकते हैं सर, इसमें सर हिंदी में तो सर समरूप त्रिभुज ऐसे टाइप का बन जाएगा सर। हाँ समरूप तो बन रहा है ना ये और ये, लेकिन आपको कहाँ पता है इसकी साइड पता है क्या, ऐसे तो बहुत से ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे ऐसे तो बहुत बनेंगे ना दोस्त, ऐसे तो बहुत सारे ट्रायंगल बन जाएंगे। बोलिए जी सर फिर ये मेथड समझ में आया कि नहीं, जी सर आ गया, ये सर ये तो सर समझ में आ गया सर। चौधरी 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 कुछ लिखा हुआ है नाम,
सविता समझ में आया? जी सर। दीक्षा यस सर। अजय हाँ सर, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त, समझ में आया? हाँ सर आ गया समझ में, लेकिन सर ये टॉपिक मेरे कम ही समझ में आते हैं सर, ज्योमेट्री डिवाइड। एक पल एक आवाज सुनो, बात नहीं पढ़ा रहे। पूनम तो सर नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, कोई बात नहीं। विकास जी सर आ गया समझ में। वैभव यस सर आ गया समझ में। बबीता यस सर आ गया समझ में। प्रतीक्षा समझ में आया? जी सर। पूछेगा अब हो जाना चाहिए सर। अरे सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। सर आपकी वॉइस सर क्लियर नहीं आ पा रही है सर, ब्रेक हो रही है बार बार। ये तो आप सिमिलर से नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे वो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है चलिए, अब जो है एक एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करते हैं, अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, इसको सेंटर कहीं होगा, एक सर्कल ड्रॉ करूं इसके अंदर, तो इसकी रेडियस क्या होगी? जैसे जैसे मान लो ट्रायंगल इक्विलेटरल एंगल के अंदर ट्रायंगल सर्कल, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर पेंटागन के अंदर सर्कल, फिर हेक्सागन के अंदर सर्कल, ये करते हैं सबके अंदर सर्कल जो बनेगा क्या होगा। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल था आर, परीक्षा उसका रेडियस कितना था? सर एल बाई टू रूट थ्री। ए बाई टू रूट थ्री, ठीक है। इतना ये ए है और ये ए है, तो न्यूटन नाम का कोई न्यूटन है तो हट गए। हाँ न्यूटन बताइए कितना होगा रेडियस इस केस में? कितना होगा रेडियस? ये रेडियस कितनी होगी? अरे यार एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस कितनी होगी? ये ए है, ये ए है, ये ए है, ए बाई टू। ये जो डायमीटर है वो ए होगा, तो रेडियस ए बाई टू हो गया। इतना दिमाग चलना चाहिए। अच्छा हेक्सागन में सोचो, कोई हेक्सागन है उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं,
कोई बताएगा इसका रेडियस कितना होगा? और जो ट्रायंगल की हाइट होगी वही यहाँ रेडियस होगी, और ट्रायंगल की हाइट आपको पता थी कितना होगी? ए रूट थ्री बाय टू। नहीं नहीं अभी नहीं है, ठीक है। चलिए पेंटागन को सोचते हैं। जैसे ये हो गया पेंटागन, रेगुलर पेंटागन ऐसे बनता है। एंगल याद होगा कितना एंगल होता है ये? सर 108। 108 होता है। तो यहाँ जो सर्कल होगा उस सर्कल की रेडियस बता पाएंगे क्या कितनी होगी? उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? द ए रूट 3 बाय 2। अरे ऐसा अत्याचार मत करो यार, ऐसा अत्याचार मत करिए, एकदम अंधी लाठी से पीट दे रहे हो बच्चे को। कौन बोला ये? सब मैं था सर। इसमें भी तो ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ तो ट्रायंगल का मतलब रूट थ्री बाय टू थोड़ी होता है, वो तो 60 डिग्री होगा तब ना रूट थ्री बाय टू। इसका सेंटर इससे जोड़ोगे, इसका सेंटर इससे जोड़ोगे, कोई बताएगा? इसका सेंटर इससे जोड़ेंगे, इसका सेंटर इससे जोड़ेंगे, इसका सेंटर जोड़ोगे। कोई बताएगा? ये रेडियस हुआ आर और ये हुआ ए बाई टू और ये एंगल हुआ 54 डिग्री। ये एंगल हुआ 54 डिग्री। टेन फोर्टी 54 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ? आर बाई ए बाई टू। तो यहां से रेडियस कितना आ गया इसका? A by 2, 10, 54 degree, है ना? बोलिए, बात समझ में आई? Yes sir. जी सर। यानी थोड़ा दिमाग चलना चाहिए भाई कि क्या क्या हो रहा है हमारे ट्रायंगल के अंदर। तो ये आ जाएगा A by 2, 10, 54 degree। ट्रायंगल के अंदर सर्किल है तो इसकी रेडियस हुआ ए रूट थ्री बाई टू। स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो इसका रेडियस हो गया ए बाई टू। हेक्सागन के अंदर सर्कल है ऐसा तो उसका कितना हो गया? इसकी हाइट कितनी हो गई? अच्छा यहाँ ट्रायंगल बन जा रहा था ऐसा, जो इसकी ट्रायंगल की हाइट हुई वही रेडियस हो गई उसकी, तो इसका रेडियस हो गया ए रूट थ्री बाई टू। और पेंटागन के अंदर अगर सर्कल है तो उसका रेडियस हो जाएगा, ये 54 डिग्री हो गया, ये r हो गया a by 2 के, tan 54 is r by a by 2, so r is a by 2 54, tan 54 degree, ठीक है ना? Yes sir. ये बात है। अगर मैं octagon ले आऊँ, उसके अंदर सर्कल रखूँ, एक सर्कल है ऑक्टागन बनाते हैं, एक दो तीन चार पांच, सॉरी चार ऐसे जो होगा ऐसे, ये इसी तरह ऐसे कुछ, ये यहां से ये फिर यहां से ये हुआ एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन के अंदर सर्कल रख दी
टुकड़ा होगा, कोई बताएगा ऑक्टागन का एंगल कितना होता है? ये सर 135। हाँ 135 डिग्री। और सेंटर से इसको जोड़ो, 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 ठीक है। ये आर पता करना है आपको, ये आर पता करना है, ये दूरी कितनी है। ए बैठो, ए बैठो, यहां से हो जाएगा, ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा कोई बताएगा? 67.5। हाँ 67.5, ठीक है। tan 67.5 is equal to r by a by 2, तो यहां से r कितना हो जाएगा? a by 2 tan 65.5, है ना, समझ में आ रहा है जी सर? कैसे हम रेडियस निकालते हैं पेंटागन में, ये सब चीजें लोगों को आती नहीं है, एंगल कितना होता है पेंटागन में, हेक्सागन में, ऑक्टागन में, ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं जो कि अमूमन आती नहीं है लोगों को। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल है कुछ इस तरह का, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल सॉरी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लाइक दिस, और यहाँ पे इनका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है और इसका रेडियस गिवन है, और इसको टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये 20 है और ये 25 है, कोई बताएगा ए बी कितना हुआ? बताएंगे? यस सर, ट्राई करते हैं सर। हाँ ट्राई करिए। और बताइए कोई का?
सीधा नहीं आया सर। सर 30 अंडर रूट 2 किसका है? ये किसका आंसर 30 रूट 2? सर विकास शर्मा। विकास शर्मा ये किसका आया? सेंटर को इसके सेंटर से मिलाते ऐसे। ये टोटल कितना 90 डिग्री है। आवाज जा रही है? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। हाँ, प्रॉब्लम ये है इसका रेडियस रेडियस लार्जर सर्किल बाय रेडियस स्मॉलर सर्किल और इन दोनों को आप जब मिलाएंगे कहीं यहाँ कट कर आपसे बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है पूछा ये है और ये ओ है पूछा है कि पी क्यू कितना होगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और स्क्रीन पे भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा सर क्या
क्या ऐसा सबके साथ है? जी सर, यस सर। नहीं दिख रहा है सर, डिले हो रहा है सर, टाइम बीच में सर गैप दे रहा है। अभी दिख रहा है अंदर दो सर्कल सर, दो सर्कल और टेंजेंट दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। दो सर्कल है, ये कॉमन टेंजेंट, दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है, रेडियस ऑफ फोकस स्पेसिफाइड, और ये पीक्यू बाय क्यूओ है आपसे सर। पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे, क्या चीज? हाँ सर अब दिखाई दे रहे, पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे पहले। हाँ ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल है, सर एक बार सर प्रॉब्लम को दोहरा दीजिए सर, बीच में आवाज और सर स्क्रीन ब्रेक हो गई थी सर, समझ में नहीं आया बीच में। अगर स्क्रीन दिख रही है तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं कुछ ना बोलूं तो भी प्रॉब्लम में सब कुछ लिखा हुआ है। सर ये जो एल है सर, एल और सर एस, एस क्या है सर इसमें, ये नहीं समझ में आया सर। लार्ज और स्मॉल सर्कल के रेडियस, रेडियस ऑफ लार्जर बाय रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, उनका रेशियो जो है बड़े वाले का छोटे वाले के रेडियस का रेशियो 4/2। सर 4:1 4:1 नहीं, एक साफ साफ दिख रहा है कि लेस देन 1 होगा। देख लीजिए पी क्यू कम दिख रहा है और क्यू ओ ज्यादा दिख रहा है, तो आंसर कैसे छुटा होगा? सर 1:3
फोर आ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही यहाँ वॉइस साफ ब्रेक हो रही है सर वॉइस आपकी सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी हाँ चलिए कोई बात नहीं उसी में समझिए डायग्राम से यार यार वो मान लेता हूँ तो ट्रायंगल सिमिलर सर आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी कोई बात नहीं तो डायग्राम से समझिए क्योंकि दो तीन मिनट और है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PM by PO is equal to NQ PO है ये 7R हो गया टोटल 7R PO है 7R और QO है X 4/7R plus X is equal to 3/X so 4X will be equal to 21R plus 3X X is 21R तो आपसे PQ by Q पूछा था Q आ गया 21R और P हेलो यस सर यस सर तो ठीक है ये जो है आज की प्रॉब्लम डिस्कस करिएगा अपना कोई मुझे याद भी नहीं दिलाता है कि हाँ भाई वो भेजना है